हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से हैं, ठीक हैं। तो आज वेडनेसडे है एंड मैं फिर से बाहर हूँ। मुझे स्माइली को एक जैकेट दिलानी थी अर्जेंटली, और उसके लिए इसका आना ज़रूरी था, तो इसीलिए से वर्किंग डे पे लेके आई हूँ कि कम रश होगा। तो चलिए, अभी एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे लास्ट टाइम कि मॉल में थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज दिखा दीजिए, सो दैट हमें देखने को मिल जाएगी वहाँ पे कैसा है ऑल द सेक्शंस। तो आज आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिव कवरेज कर लेती हूँ। उस दिन मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई थी इतने दिन बाद, तो आई वॉज सो अफ्रेड टू कम आउटसाइड। तो आज मैं 2 या 3 मिनट का क्लिप डाल दूँगी बीच में टू शो यू ऑल अराउंड। तो चलिए, आई एम जस्ट गोइंग टू द शॉप नाउ। सो गाइज, आज काफ़ी कम रश है कम्पेयर टू संडे जब हम लोग आए थे। एंड यहाँ इस स्टोर में हम जाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि टेम्परेचर चेक कर रहे थे, बट आज कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा चेकिंग नहीं हो रही है। चेकिंग हो रही है, वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। सो गाइज, दिस स्टोर इज मोर इन टू लाइक विंटर वियर्स एंड दिस इज मी। हाय, और ये देखिए यहाँ पे, ये नॉर्मली सभी विंटर वियर्स ही रहते हैं इस स्टोर पे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू किड्स सेक्शन। दिस वन इज लेडीज सेक्शन। Here many of the stores are like temporarily closed. All these ones are closed, which are of accessories and clothes, which are expensive ones and not the basic. So these type of stores all are temporarily closed until any further notice. So you guys can see all the fashion wear is like closed. None of these stores are open as of now. सो फ्रेंड्स, चलिए मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से कि जो जो भी मैंने संडे के मॉल टाइम में ख़रीदा और जो भी कल ख़रीदा, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था क्योंकि कल हम लेट से आए थे और संडे को आने के बाद भी नॉर्मली सभी चीज़ें जो है वो धुलने में डाल देते हैं। तो स्माइली के मोस्टली उस दिन तो वही क्लोथ्स ही थे और बाकी जो था हम लोगों ने क्वारंटाइन करके रख दिया था, जो धुल नहीं सकता था। सो आई थॉट कि मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या सामान खरीदा। तो पहले तो एक मैं यहाँ पे ये टॉवल्स लेकर आई थी। तो ये इस तरीके से हम एक बास्केट में टॉवल्स रखते हैं, जो भी हैंड टॉवल्स होते हैं रेस्ट रूम में हम इस तरीके से रखते हैं। तो ये सारे टॉवल्स जो थे वाइट टॉवल्स रिप्लेस करने वाले थे। ऑल दो यहाँ पे सभी ये जो भी टॉवल्स हैं इंडिया से ही आते हैं एक्सपोर्ट होके। तो ये सभी लिए एक तो मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली मैंने। सो एक ही किड्स के लिए क्लिप्स लिए, देखिए ये नॉर्मली मैं लेकर रखती हूँ क्योंकि कई बार कोई बच्चे आते हैं या कहीं जाना होता है या फिर अष्टमी वगैरह होती है तो रखा रहता है, तो बेटर रहता है क्योंकि उसी टाइम तो जाके ले नहीं सकते हैं। और ये एक क्लिप्स लिए मैंने। अगेन मोस्टली ये जो भी सभी सामान होता है मैं एक साथ लेकर रख लेती हूँ क्योंकि कभी जब भी किसी को देना होता है तो बिना कार के एकदम से जाना तो मुश्किल हो जाता है। सो एक ये इयररिंग्स हैं। ये भी बच्चों के ही क्लिप्स का सेट है। सो दिस इज ऑल किड्स क्लिप्स। एक ये हेयर पिन्स हैं। तो ये हेयर पिन्स काफी ज्यादा चल रहे हैं आजकल। काफी सारे इयररिंग्स और ये क्लिप्स वगैरह मैंने लिए। ये इयररिंग्स हैं
जी ये सी शेल जो है उसके बने हुए इयररिंग्स हैं। अगेन ये एक और किड्स के लिए लिया मैंने। एक ये रोप वाला इयररिंग डिजाइन है, देखिए एक ये वाला इयररिंग है, ये भी अगेन सी शेल डिजाइन है। तो ये मोस्टली एक आधा मैं यूज करती हूँ और बाकी मैं रख लेती हूँ कि जब भी कहीं जाना होता है, किसी के लिए लेके जाना हो तो फॉर दैट पर्पस। और ये कुछ सामान मैंने अपने लिए लिया, ये जो है ये मैं संडे को लेकर आई थी। सो दिस इज लाइक डिजाइनर इमिटेशन ज्वेलरी जो यहाँ पे आती है स्टोन्स में, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेसलेट मैंने एक लिया सी, तो ये जो ज्वेलरी आती है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ऑल दो अभी हाफ प्राइस चल रहा था तो मुझे अप्रोक्सीमेटली ये $20 में मिला दिस वन। वैसे इसका प्राइस जो है दिस इज $49, तो ये कुछ ऑफर चलती हैं कभी कभी तो ये लेस प्राइस पे मिल जाता है यहाँ पे ये सामान। एंड सेम ये एक नेकलेस है उसी टाइप में ही है, तो ये मैंने लिया। You can have a look. तो ये फ्लोरल पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका भी जो प्राइस है ये अराउंड 42 या $43 का था, बट ये भी मुझे $20 में ही मिला। तो कुछ सेक्शंस रहते हैं कई बार डिस्काउंट में कि एक ही साथ डिस्काउंट आता है उनपे, तो ये दो चीजें मैंने अपने लिए लिए थी। एक तो ये मैं कैप लेके आई क्योंकि यहाँ पे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो आई थॉट टू बाय अ कैप ऑल्सो। ऑल दो मेरे पास एक तो पहले भी रखी है बट मैंने अभी सर्दियों के कपड़े निकाले थे तो मुझे नहीं मिली, पता नहीं अभी कहाँ रखी रहती है अलमारी में। इतना सब सामान हो जाता है कि मिलता नहीं है कई बार। और ये एक बैग लेकर आई मैं अपने लिए, तो ये यहाँ पे काफी इस तरीके से ये स्लिंग बैग्स चलते हैं, तो मेरा पिछला वाला स्लिंग बैग थोड़ा खराब हो रहा था। यहाँ पे जो ये जिपर्स रहते हैं, ये जिपर्स की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है क्योंकि हम लोगों को मेट्रो कार्ड वगैरह सभी जो है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखना पड़ता है, तो वी नीड दिस टाइप। तो जो बड़े हैंड बैग्स होते हैं वो इतना नहीं चलते हैं यहाँ पे क्योंकि बड़ा हैंड बैग कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे के साथ प्रैम भी रहती है, आपको प्रैम लेके जाना होता है तो आप ज्यादा नहीं कैरी कर सकते। तो मैं नॉर्मली ये स्लिंग बैग ही यूज करती हूँ। ये इस तरीके से इसके अंदर ये दिया है एंड एक इनसाइड जिपर भी है इसमें, सो आई थॉट कि ठीक है कि ये भी आई विल टेक। तो यही कुछ सामान था जो मैंने लिया, सो आई शेयर्ड विद यू। बाकी तो मोस्टली हम लोग स्माइली की एक जैकेट लेने गए थे और वो भी क्या हुआ था कि इट वाज टोल्ड ऑनलाइन आ रहा था कि वो $10 डिस्काउंट पे है, तो 50 की थी 40 आ रही थी, बट स्टोर में जाने के बाद वो बोले कि वो प्राइस तो बस ऑनलाइन ही है, स्टोर पे फुल प्राइस ही है। तो फिर हमें लगा कि अब हम गए हैं तो ले ही लेते, क्योंकि बच्चों को पहना के देखना पड़ता है नॉर्मली कुछ भी इस तरीके का क्लोथ हो, और वो काफी स्पेसिफिक है कि लाइट वेट होना चाहिए आउटर जैकेट। सो दैट इज वाई मोस्टली हम लोग गए थे वही काम करने के लिए कल। और बहुत ज्यादा रश तो क्योंकि अभी नहीं है, सब कुछ खुलेगा अभी नेक्स्ट वीक तक थोड़ा थोड़ा करके विद इन 10 डेज, तो देखते हैं तब कैसा रहेगा। तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल, और आज मैंने मॉल की भी ज्यादा क्लिप्स डाली हैं। सो आई होप आपको फेयरली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कैसा सामान रहता है। और यह सामान यहाँ पे मोस्टली तीन जगहों से, चार जगहों से आता है, चाइना से आता है, तो जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह एंड कपड़े रहते हैं वो काफी ज्यादा चाइना से आते हैं, चाइना के बाद बांग्लादेश से आते हैं, और फिर जैसे टॉवल्स है या कुछ कॉटन क्लोथ्स हैं वो सभी इंडिया से आता है, कुछ सामान पाकिस्तान से आता है। तो बेसिकली सारा सामान कुछ भी शॉप पे हम जाएंगे तो यही चार कंट्री से ही यहाँ पे इम्पोर्ट होके आता है। तो
तो देख लिया आपने आज की व्हाट ऑल आई हैव बॉट। तो चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और मैं कुछ नया लाने की कोशिश करूंगी आपके लिए एक बारी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाए। सो आई विल शो यू द थिंग्स अराउंड हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।